तबीयत बेहतर, टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल। मरियम नवाज को सर्विस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, सख्त सिक्योरिटी में कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल। रेनवा नून लीग को नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था और उन पर एंजाइटी का अटैक हुआ, रंग पीला पड़ गया, दिल की धड़कनें तेज हुई तो वालिद के साथ ही एडमिट कर दिया गया। मरियम नवाज को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल जेल वापस भेजा गया, मरियम औरंगजेब का इल्जाम। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 32,000 से कम होकर 7,500 रह गए, खून की कलियों में टूट फूट के मर्ज की तशखीस। टेस्ट के लिए आज लीवर इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जाएगा, जराए के मुताबिक इलाज इंजेक्शन और टेबलेट से मुमकिन है। अपोजिशन के मुतालबे पर किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। सीनियर साहबियों से मुलाकात में कहा, फजल रहमान बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है, डीजल मजाक में कहा था, अपोजिशन को एनआरओ देने पर तैयार हो जाऊं तो सब खामोश हो जाएंगे। तब्दीली सरकार कराची पर कब्जा चाहती है, इमरान खान सिंध दुश्मन है, जीडीए वाले भी धरती के गद्दार हैं। आवाम के हकूक के तहफ़ के लिए निकला हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लाम कोर्ट में जलसे से खिताब। कहा, जमहूरियत खतरे में है, कठपुतली हकूमत को गिरा कर आवाम की हकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी खोलने पर आज दस्तखत होंगे। करतारपुर जीरो पॉइंट पर होने वाले मुआहदे पर पाकिस्तान और भारत के मुकर्रर फोरकल पर्सन आज दस्तखत करेंगे। और कंदकोट जुमन शाह में भंगवार और मीरानी बिरादरी के दो ग्रुपों में बच्चों की मामूली बात पर तसादुम, दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर लाठियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया। लाठियां और कोलाड़ियां लगने की वजह से 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। HRJDO न्यूज से अब तक के लिए बस इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए HRJDO न्यूज।